नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। सुल्तानपुर डकैती केस का एक और आरोपी इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ उन्नाव के अंचलगंज में मुठभेड़ में बदमाश अनुज प्रताप सिंह मारा गया है। अब इस पूरे मामले के ऊपर सियासत भी तेज हो चुकी है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार के ऊपर हमला बोला है और इस कार्रवाई को निंदनीय बताया है। अनुज सिंह एनकाउंटर से पहले आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया था। दरअसल सुल्तानपुर में 28 अगस्त को ज्वेलर्स के यहाँ लूट हुई थी और इसमें आरोपी शामिल थे। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं और किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है और आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वो जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि प्रदेश में कोई भी प्रवेश निवेश ही ना कर पाए। और उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया है, भाजपा उसी का बदला भी ले रहे हैं और इसका खुद का कोई भी भविष्य नहीं होता, वही भविष्य बिगाड़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को फर्जी बताया और कहा कि इस केस में बड़े अपराधियों को बचाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को फर्जी बताया है और उन्होंने कहा क्या घटना के बाद से ही आरोपी सुल्तानपुर के आसपास रहकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। पहले यादव मारा गया, अब ठाकुर तो हिसाब एसटीएफ ने बराबर कर दिया। सुल्तानपुर डकैती कांड के अंदर मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर खूब सियासत भी हो रही है और समाजवादी पार्टी ने सरकार पर जाति विशेष को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद अब उसके पिता ने ये कहा कि ठाकुर का एनकाउंटर होने से अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। इस घटना पर आरोपी अनुज प्रताप के पिता करमराज सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात की और कहा कि हमारे पास इस घटना की कोई भी जानकारी नहीं है। सुबह ग्राम प्रधान ने आकर हमें इस घटना के बारे में बताया है और हमें अवगत कराया गया। हमको कोई जानकारी नहीं थी, सुबह हमारे प्रधान जी आए तो उन्होंने बताया कि अनुज का एनकाउंटर हो गया। लोकल पुलिस एक दो तीन घंटे बाद सूचना दी कि वहां पे एनकाउंटर हुआ। हेलो, क्या कह रहे हैं सर? सरकार की जो मर्जी हो उसने किया। एक केस था अनुज के ऊपर सूरत में और कोई केस नहीं था। हमारी ग्राम सभा से कोई भी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा भी नहीं कभी उससे हुई थी, न कभी 107/51 का मुकदमा कभी उसके नाम लिखा था। अब सरकार की जो मर्जी हो करे, हम क्या कह सकते हैं। हमारा तो जो होना था, हमको कुछ नहीं कहना। हमारे लड़के का तो इनकाउंटर हो गया, अब हम क्या कहें, इससे ज्यादा क्या कहें। हमको तो जो होना था हो गया, हमारी तो लाइफ तबाह हो गई। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। उधर एनकाउंटर के बाद से ही प्रदेश के अंदर सियासत भी तेज हो गई है और प्रदेश की दो सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी और सपा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या प्रदेश में एनकाउंटर कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था सिर्फ बंदूक और एनकाउंटर के दम पर ही चल रही? अगर ऐसा है तो कब तक ये सब चलता रहेगा? क्या उत्तर प्रदेश सरकार एनकाउंटर को मान्यता दे रही है या अपनी इज्जत बचाने के लिए फर्जी एनकाउंटर कर रही? ये बड़े सवाल हैं और इसी को लेकर सियासत उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े पैमाने पर होती हुई नजर आ रही। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी या कहें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार किस तरह से इसका जवाब देती है और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में किस तरह के एनकाउंटर होते हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के।